आदाब चौहान जी, देखिए जब जब बात होती है धर्म से जुड़े कट्टर विचारों की, और उस कट्टर विचारों का शिकार जो है वो महिलाएं होती हैं, और इसमें मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, लगभग ऐसी परिस्थिति दुनिया के कोनों कोनों में दिखाई दी है। बड़ा सवाल यह है कि अगर आज मुस्लिम समाज के भीतर मुस्लिम महिलाएं ही ये कह रही हैं कि उनको उनकी पसंद का हक आप दीजिए, तो क्या मुस्लिम समाज मिल बैठकर ये बात करने के लिए तैयार होगा? निश्चित मैडम, पसंद के हक की आपने बात की, भारत की बेटियां पटिशनर हैं, आज वो चाहती हैं कि वो हिजाब पहने, लेकिन आज कौन से लोग हैं जो उनको रोक रहे हैं? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, राइट टू रिलीजन नहीं है, राइट टू चॉइस नहीं है? उनके अधिकार को कौन छीन रहे, उनकी आजादी को छीनने वाले कौन लोग हैं? क्या बताइए कि जो बच्चियां ये कह रही हैं कि मैं भी जैसे मेरे सिख भाई पगड़ी पहन के स्कूल को जाते, जैसे हमारी हिंदू बहनें तिलक लगा करके जाती, हाथ में कलावा पहन करके जाती, सिख नन डॉक्टर्स कवर कर रखती, मैं भी अपने चेहरे को या हिजाब पहन करके जाना चाहती हूं, तो उससे वो फ्रीडम को क्यों छीनना चाहते हैं? क्या संविधान में कहीं डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं है मैडम, लेकिन कौन लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? दोनों चीज क्लियर है। इस्लाम ने वादे तौर से कहा अल्लाह का हुक्म है हिजाब, लेकिन सुनिए, लेट मी कंप्लीट मैडम, ठीक है? नहीं नहीं, मैं सुन ली सर आपकी बात, मैंने काफी सुन ली। मैं मुझे भी सवाल पूछना है सर, आपने अपनी पूरी बात कही, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अल्लाह का हुक्म है आप यहाँ कह रहे हैं, या हमारे तरीकों में ऐसा होता है, इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो उसका गला काट देंगे, सुन लीजिए, उसे मार देंगे, उसे मौत के घाट उतार देंगे। मुंबई में पति पत्नी के बीच का मामला है, हिजाब पति के हिसाब से नहीं पहना पत्नी ने, तो गला रेत दिया ना। सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, आपने सिख धर्म से तुलना कर दी, आपने हिंदू धर्म से तुलना कर दी, आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने उदाहरण पता है कि अगर टीका नहीं लगाया या जो पति ने कहा वो पत्नी ने नहीं किया, घूंघट नहीं किया तो मौत के घाट उतार दिया, कितने केसेस पता है आपको? बिल्कुल, आप लोगों को ऐसे केसेस याद पड़ते हैं? नहीं नहीं, एक बार मुझे बताइए, ठीक है सर, आपके पास बहुत दलील है, ऑडियंस आप मुझे बताइए, हाथ खड़े करके बताइए, आपको ऐसे केसेस मालूम है जहाँ पर टीका लगाने के लिए फोर्स किया गया हो, कलावा बांधने के लिए फोर्स किया हो, घूंघट करने के लिए फोर्स किया है, साड़ी पहनने के लिए फोर्स किया है, जींस ना पहनने के लिए फोर्स किया है और उसके लिए मार दिया है, कितने केसेस हैं ऐसे केसेस आपकी नॉलेज में? ऐसे केसेस हैं? थोड़ी आवाज बताइए मुझे जरा अपनी, ऐसे केसेस हैं? ठीक है, जवाब देने नहीं है, चलिए बताइए, जवाब दे बताइए। पहली बात तो ये कि भारत के अंदर कानून है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की फ्रीडम को छीनता है तो उस पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा और कानून उसको सजा देगा जो भी अत्याचार करेगा। लेकिन अफसोस मुझे मैडम, ये होता है कि जो संविधान वो करेगा, जो संविधान करेगा, मोमबत्तियां नहीं जलती, संविधान वो करेगा, की बेटियों के लिए जलती है, संविधान नहीं, की बेटियों के लिए नहीं जलती, संविधान नहीं, संविधान नहीं, की मांओं के लिए नहीं जलती, नहीं, न्यायालय ने बिल्किस के दोषियों को सजा दी है, इसी देश के न्यायालय ने, ईरान की बात क्यों कर रहे हैं, भारत की बात कीजिए, क्योंकि हमें डर है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सर आप आंखें खोलकर समझिए परिस्थिति क्या है। मुंबई किस देश में है? मुंबई किस देश में है? भारत के अंदर क्या होता है? मुंबई किस देश में है? कानून ने काम करेगा? मुंबई किस देश में है? अपराध होता है, नहीं होता है? मुंबई किस देश में है? पहले बताइए, वैलेंटाइन डे पे क्या होता है? बजरंग दल के लोग क्या करते हैं? भाई साहब लड़ने के मारते हैं, मुंबई को इस देश का हिस्सा मानते हैं? कौन नहीं, आज चलिए आज बेसिक पे बात, बात कीजिए आप, मुंबई को इस देश का हिस्सा मानते हैं आप? मानती हैं मुंबई को? मानते हैं आप सर? हम मैं तो पाकिस्तान को भारत का हिस्सा मानता हूँ, आप कहिए, आप कहिए, अल जवाहिरी आपके लिए क्या है सर? अल जवाहिरी कौन है आपके? जो दुश्मन हमारे देश का वो मेरा दुश्मन, अल जवाहिरी जो मेरे देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, अल जवाहिरी करता है कर्नाटक की घटना का समर्थन, अल जवाहिरी करता है, मुझे क्या करना है? साबित करिए, अल जवाहिरी करना है आप भाड़ में नहीं, कौन है अल जवाहिरी? अल जवाहिरी कौन है? नहीं मुझे क्या मतलब, डिफाइन करिए, ये शख्स यहाँ पर खड़े होकर, अल जवाहिरी एक ग्लोबल आतंकवादी है ये नहीं बोल पा रहे हैं? अंकिता को मारने वाला कौन है? नहीं बोल, जो लोग अल जवाहिरी को आतंकवादी नहीं बोल पाएंगे, जो लोग अल जवाहिरी को आतंकवादी नहीं बोल पाएंगे लोगों के बारे में नहीं बोल पाएंगे, आप बीजेपी की तुलना अल जवाहिरी से कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपसे ये पूछ रही हूँ, कैसे बात करेंगे सर? आप मुझे बताइए अल जवाहिरी कौन है? अल जवाहिरी कौन है मुझे बताइए आपका रिश्तेदार? हम ऐसे रिश्तेदार नहीं पालते, मैं जानता ही ना, तो हम ऐसे रिश्तेदार पालते हैं ना ही हमें ऐसे रिश्तेदारों को कंडेम करने से पहले सोचना पड़ता है। आपको पता है मुझे नहीं पता? एक सेकंड, नहीं नहीं रिश्ता आपको पता है मुझे नहीं पता मैडम, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं भारत के, मेरी बात अब आप सुनिए, अल जवाहिरी कौन है आपको ये पता है या नहीं पता है? मुझे भारत का पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपसे आगे बात नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भारत के लोगों का पता है। चलिए, अंकिता को मारा गया उत्तराखंड में, मुझे ये पता है, उत्तराखंड में गई थी
उसके परिवार से मैं बात करके आई थी। की बेटी की इज्जत लूटी गई, हाथरस की खबर हमने दिखाई थी, हमने बात की थी। आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, अरे सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मुझे ये बताइए किस मुस्लिम महिला के लिए आप सड़क पर उतरे हैं? किसके लिए उतरे हैं? बताइए कब उतरे हैं? बिल्किस बानो के लिए उतरे ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये शौक है, लेकिन मुझे ये बताइए, अल जवाहिरी को आतंकवादी क्यों नहीं बोल पा रहे आप? क्यों नहीं बोल पा रहे? बताइए मुझे, ये जो महिलाएं यहाँ पर मौत के घाट उतारी गई है, ये जो महिलाएं मौत के घाट उतारी गई है, कौन है? कौन है? पूछ मुझसे रही है, कौन है? महिला की तरह बिहेव करिए, मैं सम्मान से कह रहा हूँ। महिला की तरह बिहेव करिए, 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 महिला की तरह बिहेव करिए। आज ये बात समझ में आ गई आखिरकार, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल पाएंगे अगर महिला आपसे आपकी बराबर की आवाज में आकर बात करे तो आप कहेंगे महिलाओं की तरह बिहेव करिए। यही हमारी कोशिश थी कि ऐसे दोगले चरित्रों को उजागर किया जाए। ये सिर्फ तीन चेहरे थे आपके सामने, लेकिन इन तीन चेहरों के जरिए उस सोच को यहां पर उजागर करने की कोशिश हुई है जिनके लिए लड़ाई ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक जारी है। और ऐसे लोगों से हम डरने वाले नहीं है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर अपनी बराबरी के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं बात नहीं करेंगी तो फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। कोई ट्रोल, कोई भी बुली आपको बुली नहीं कर सकता, ये आपको बात समझनी पड़ेगी।